2IITians को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी मीडियम मिस ना करें। शुरू करते हैं हम लोग पवन ऊर्जा। ठीक है, अब पवन ऊर्जा में क्या होता है, आपके मन में तुरंत आनी चाहिए एक पवन चक्की। ठीक है ना, पवन चक्की इस तरह से रहती है और हम लोग मैं ये वीडियो उत्तर प्रदेश में शूट कर रहा हूं तो यहाँ तो पवन चक्की उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होती है। पवन चक्की इस तरह से रहती है और इसका हम लोग कई चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या चीजों के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इसका नाम ही है चक्की, तो क्या करेंगे, पीसने, अनाज पीसने के लिए काम कर सकते हैं, है ना। तो चक्की क्या करेगी, अनाज पीसने का काम करेगी। फिर उसके बाद हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जल पंप की तरह, मतलब इसमें जोड़ देंगे, ये जो गोल गोल घूमेगी उससे दूसरी चीजों को हम लोग जोड़ लेंगे तो क्या होगा, इसकी ऊर्जा से हम लोग पानी को भी ऊपर खींच सकते हैं। जल पंप यानी कि पानी ऊपर खींचना। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज हम लोग इससे कर सकते हैं, कुम्हार का चाक घुमा सकते हैं। छोटी सी पवन चक्की अगर बना ले तो यहाँ ऐसे हवा चल रही है और उसी से क्या होगा, कुम्हार का चाक घूम सकता है और कुम्हार का चाक घूमेगा तो उसमें वो और नई चीजें इस तरह से बनाता रहेगा। और देखिए, अब ये तो पुराने तरीके हैं, जैसे सबसे पहले लोग, इसीलिए इसका नाम पवन चक्की रखा गया क्योंकि पहले लोग इसका इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए ही करते थे। फिर उसके बाद और भी मॉडर्न जमाना आया तो जल पंप वगैरह भी बना लिया, ये भी पुरानी चीज है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इससे बिजली उत्पन्न भी कर रहे हैं। बिजली उत्पन्न कैसे कर रहे हैं, टर्बाइन को घुमा रहे हैं। ठीक है, टर्बाइन को घुमाकर बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। तो कभी भी बच्चों बिजली उत्पन्न करनी होती है तो ये माना, ये आप याद कर लीजिए, मान लीजिए कि टर्बाइन जब घूमेगी तो बिजली उत्पन्न होगी, चाहे हम लोग कोयले से बिजली बनाएं और चाहे हम लोग किसी भी चीज से बिजली बनाए, जैसे पानी से बिजली बनाए या फिर हवा से बिजली बना रहे हैं, हर जगह जब टर्बाइन अगर घुमा दी हमने बहुत तेजी से तो बिजली बनना प्रारंभ हो जाएगी। तो इस तरह से पवन ऊर्जा को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का जो निर्माण हो रहा है उस हिसाब से अगर भारत को देखा जाए तो भारत चौथे नंबर पे है। भारत किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे, जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरे नंबर पे। तो ये चौथे नंबर किस हिसाब से है, पवन ऊर्जा प्रयोग। ठीक है, पवन ऊर्जा जितना इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में तो भारत चौथे नंबर पे है। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है विंड एनर्जी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी कैपेसिटी, या आप कैपेसिटी बोल रहे हैं तो हम लोग क्षमता बोल सकते हैं। ठीक है, इस मामले में भारत किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे। अब ये तो हो गया, हम लोगों ने सारी चीज एक पवन चक्की पे डिस्कशन कर लिया। प्राचीन काल में बहुत ज्यादा किस जगह इस्तेमाल होता था अपना पवन का, कहाँ प्रयोग होता था, आप बिल्कुल सही गेस कर रहे होंगे इसको देखकर। है ना, तो हम लोग नाव खेने में इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिस दिशा में पवन चल रही है उसी दिशा के हिसाब से हम लोग पाल को सेट कर लेते थे और उस तरह से हमारी नाव आगे बढ़ना शुरू हो, और थोड़ा बहुत हम लोग परिवर्तन करके, अगर हम लोग पाल को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करते थे, उसकी दिशा बदलते थे, तो उसी के हिसाब से नाव की दिशा भी बदलती थी।
अभी भी ये इस्तेमाल होता है बहुत जगह, लेकिन अब क्या है क्योंकि लोगों को स्पीड चाहिए तो पवन ऊर्जा जो है अब भी वो स्पीड नहीं दे पा रही है। अब हम लोग नाव, बोट, स्टीमर, शिप यहां तक पहुंच चुके हैं नाव से उठकर, तो वहां पर फिर डीजल का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि अब तो न्यूक्लियर रिएक्टर का भी इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल अब हो रहा है। तो हम लोग पवन ऊर्जा से आगे बढ़कर काफी अच्छी तरीके से नाव वगैरह चलाने लगे हैं, लेकिन फिर भी हर एक ऊर्जा का अपना महत्व है। आज भी ये सारे इस्तेमाल पवन चक्की से हो रहे हैं जो बहुत पहले होते रहे थे। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये पवन ऊर्जा बिल्कुल लगभग मुफ्त में उपलब्ध है, और कोई चीज मुफ्त में उपलब्ध है अगर, तो उस स्थिति में वो हमेशा कारगर रहेगी। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि स्रोत जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, जैसे कोयला और पेट्रोल डीजल ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो इसलिए हमें अब हमें इन मुफ्त वाले स्रोतों पे जरूर आना पड़ेगा, और हम लोग पहले से ही उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और अच्छे से टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगला है बच्चों भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी बोला जाता है। अब इसमें नाम से ही थोड़ा हम लोग को हिंट मिल रहा है, भू यानी अपनी पृथ्वी जमीन है ना, धरा, ठीक है। तो आपने जरूर जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है वो एक बहुत बड़ा गोला है, और इस गोले में चारों तरफ एक बहुत पतली पपड़ी, बहुत पतली पपड़ी जो है उसका वो हम लोग हिंदी में कहते हैं भूपर पट्टी, ठीक है। ये क्या है, भूपर पट्टी, सही है, भूपर पट्टी, या इसको बोला जाता है क्रस्ट, या कुछ लोग बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। इसी पे हम लोग रहते हैं, इसी पतली जो पपड़ी है इस पर रहते हैं, इसी पर सारे पहाड़ हैं, सारी झील हैं, सारे समुद्र हैं, भूपर पट्टी में सब कुछ है। फिर उसके बाद आ जाता है मेंटल, ठीक है। मेंटल को हिंदी में भी मेंटल ही कहते हैं, और उसके बाद आ जाता है अंदर लाल रंग का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोर, ठीक है। तो क्या हो गया, कोर, मेंटल और क्रस्ट। कोर अपने आप में क्या है, भूकेंद्र है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये क्या है, भूकेंद्र। तो असली में क्या है, ये माना जाता है कि पृथ्वी अपने आप में सूर्य से टूटा हुआ एक टुकड़ा है। तो बहुत सारे सालों पहले जब एकदम से पृथ्वी टूटकर बाहर आई होगी सूर्य से, तो एक बहुत गर्म गोला था, ठीक है, लेकिन वो गर्म गोला धीरे 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 ठंडा हो गया, तो अंदर लेकिन आज भी वो वैसा ही गर्म गोला है। इस गोले का जो व्यास है वो लगभग 3000 किलोमीटर है, मैं सही वैल्यू जब आपके सामने लाऊंगा तो कमेंट्स में ही लिख दूंगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो पृथ्वी है उसका काफी बड़ा हिस्सा भूकेंद्र में गर्म लाल रंग का गोला है, जिसमें कोई चीज डालेंगे तो डालते ही पिघल जाएगी, ठीक है। ये गोला अभी भी पूरी तरह ठंडा नहीं हो पाया। उसके ऊपर मेंटल आता है, मेंटल अपने आप में ज्वालामुखी का कारण बनता है। जैसे आप देखते होंगे कहीं कहीं जगह ज्वालामुखी फूटता है तो उसके ऊपर से ऐसे लावा बाहर निकल आता है। तो ये जो लावा है ये एक तरीके से इधर ऐसे चक्कर लगाता है, समझ रहे हैं, यहाँ पे चाय जैसी बनती रहती है। मतलब यहां से गर्म लावा उठता है, फिर ऊपर जाता है, ठंडा होता है, फिर उठता है, फिर नीचे जाता है। तो इसी में अगर इसे कहीं छेद मिल जाता है तो ये इससे बाहर निकल आता है। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए इसी भूपर पट्टी को हम लोग निकाल कर देखें
मतलब पतली जगह इसको थोड़ा पास से देख रहे हैं हम लोग, तो ये काफी मोटा हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें पानी भी भरा हुआ है। मैंने कहा था कि सारे सागर जल जो है इसी भूपर पट्टी में ही है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें कहीं इधर जलाशय भरा हुआ है, और ये जो लावा है वो नीचे से आकर यहाँ छूटे हुए निकल गया, ठीक है। जैसे ये हो रहा है ना, तो छूटे हुए निकल गया भाई, थोड़ा बहुत भूपर पट्टी में भी टच कर गया, तो ये पानी बहुत गर्म हो जाए। इसी वजह से गर्म पानी के सोते निकलते हैं, जिसको मतलब जैसे सामान्य पानी निकलता है तो उसको चश्मा बोलते हैं, ऐसे पानी बाहर निकल आता है जमीन से, ठीक है। लेकिन अगर गर्म पानी निकल रहा है तो उसको गर्म पानी का सोता बोलते हैं, या हॉट गीजर बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे देशों में हॉट गीजर है, गर्म पानी भी कई जगह मिलता है, कई जगह जमीन से ही गर्म पानी निकलने लगता है। एक तो जगह है जहां पर पूरी नदी ही अपने आप में एक उबलता हुआ पानी की नदी है, बहुत ज्यादा गर्म पानी है वहां पर, और मैं लिखकर आपको बता देता हूं कि वो नदी कहाँ पर है। मायन ट्यापू अभयारण्य, क्या नाम है, मायन टू याकू है, बल्कि मायन टू याकू, थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक है, और अंग्रेजी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ये सवाल सरकारी एग्जाम में आ भी सकता है कि मायन टू याकू अभयारण्य जो है वो किससे संबंधित है। तो ये मायन टू याकू अभयारण्य में एक उबलती नदी, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बॉइलिंग रिवर, ठीक है, बॉइलिंग वाटर रिवर भी कुछ लोग बोलते हैं। मायन टू याकू सेंचुरी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ठीक है यार, ये चीज है कहाँ, तो ये है पेरू। पेरू एक देश है, और अमेजन के जंगलों में, पेरू में अमेजन नदी है, एमेजॉन भी कुछ लोग बोलते हैं, अमेजन नदी के जंगल, रेन फॉरेस्ट, एमेजॉन रेन फॉरेस्ट बोला जाता है, एमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है उससे होकर जाती है ये नदी, और नदी का भी नाम मायन टू याकू है, अभयारण्य का भी नाम मायन टू याकू है। छोटी सी नदी है, और लेकिन उसमें उबलता हुआ पानी निकलता है। तो जितने भी लोग ये पढ़ते हैं जियो थर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा की स्टडी करते हैं, तो वो इस टॉपिक पर जरूर अध्ययन करते हैं, और जिनको मौका मिलता है तो वो वहां जाते जरूर हैं। जैसे कि सभी मुसलमान हज करने जाते हैं, उसी तरह सारे जो जियो थर्मल एनर्जी पढ़ने वाले फिजिसिस्ट हैं वो कोशिश करते हैं कि हमें मायन टू याकू में जाने को मिले। ये याद रखिएगा कि उबलती नदी किस देश में है, तो आपको आंसर देना है पेरू। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा, ठीक है। अब राजधानी भी बहुत पुलिस जैसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए पेरू की राजधानी लीमा आप नोट डाउन कर लीजिए। तो भूतापीय ऊर्जा क्यों बनती है, भूतापीय ऊर्जा इसलिए बनती है क्योंकि हमारी पृथ्वी आज भी अंदर से बहुत गर्म है। जैसे आप आलू उबालते हैं, तो उबले हुए आलू को जब आप कुकर से बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर ऊपर आप उसको छू सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसकी पपड़ी निकालते हैं और हाथ गलती से अंदर की तरफ छू जाता है तो आपको बहुत गर्म लगता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आलू की जो वो पतला पतला छिलका होता है वही अपनी भूपर पट्टी है, और अपनी दुनिया के सारे देश उसी पतले छिलके के ही ऊपर है, सारे पहाड़, सारी नदियां, और सारे जो विवाद के क्षेत्र हैं जैसे अपना कश्मीर, पाकिस्तान, पीओके जो है, या अक्साई चिन है, मैं तो ये बोलता हूँ कि अक्साई चिन और पीओके भारत के ही हिस्से हैं, लेकिन अन्य देश जबरदस्ती अपना कब्जा उसमें जमाने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमारी
पूरी पृथ्वी का जो हर एक चीज हमें दिखाई देता है जिसका हमसे मतलब है वो उसी आलू के पतले छिलकर छिलके पे ही स्थित है। और वो बहुत बड़ा आलू क्या है, हमारी पृथ्वी है जो आज भी केंद्र में बहुत ज्यादा गर्म है। हाँ, यहाँ पर केंद्र में तापमान जो है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ भी चुका है, रेंज के हिसाब से आया है। अगर एक वैल्यू आएगी तो 5500, 5800 या 5200 टाइप का कुछ आएगा, तो जो भी इस रेंज के अंदर होगा वही वाला ऑप्शन आप मार्क कर लेना। ऐसा नहीं होगा कि एक बार 51, 52, 53, 54 ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभी तक ये पृथ्वी ठंडी नहीं हुई है, केंद्र हमारा बहुत ज्यादा गर्म है इसलिए, और ये भी कई सालों तक रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें सौर ऊर्जा में कि भाई सौर ऊर्जा भी हम लोग कई अरब सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भूतापी ऊर्जा अरब तो नहीं लेकिन मुझे लगता है कम से कम करोड़ साल तक तो या लाख साल तक तो जरूर इस्तेमाल कर सकते होंगे, इसीलिए भूतापी ऊर्जा पे बहुत ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। हाँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने बताया कि भाई मणिकर्ण मंदिर भी है, क्रॉस चेक करके उन्होंने दिखाया है गूगल में भी, मणिकर्ण मंदिर स्थित है, नाम से ही लग रहा है कि भारत में है। ये है किधर पे, कुल्लू मनाली में, तो वहां पे भी बहुत गर्म पानी आता है और इतना गर्म होता है कि लोग उसमें चने लेते हैं और एक पोटली में बांधकर चने को उस गर्म पानी में डुबाते हैं तो थोड़ी देर में जो चने हैं वो उबल जाते हैं। चावल लेते हैं, चावल भी इसी तरह पोटली में डाल के उसमें डुबाए रहते हैं थोड़ी देर का, मतलब ये नहीं है कि 10 सेकंड में हो जाता है, टाइम लगता है, जितनी देर गैस में पकने में लगता है उतनी उससे थोड़ी ज्यादा ही देर लगती है वहां पे, लेकिन चावल भी वहां पे पक जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऐसी चीज, मतलब बॉइलिंग रिवर जो है उसी तरह की चीज भारत में भी एक छोटे रूप में है। तो मणिकर्ण मंदिर कुल्लू मनाली याद रखिएगा, और कुल्लू मनाली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, है ना, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश यानी कि भारत में भी इस तरह की चीज है जहां पर हम लोग भूतापीय ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। और ये एक उदाहरण है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में ऐसी कई जगह हैं। अगर आपको ऐसी जगह मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जिक्र करिए और हम लोगों को बताइए। और इधर जो हम लोगों ने ये इस तरह का रास्ता बनाया है इसका भी बड़ा एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं ज्वालामुखी नली, ज्वालामुखी नली, ठीक है, या फिर हम लोग इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं वॉल्केनो कैपिलरी, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग भूतापीय को समाप्त कर चुके हैं। बहुत सारे देश हैं, जैसे भारत में बहुत जगह है, ऐसे पेरू है, ऐसे जो भी जिनका ज्वालामुखी के आसपास का एरिया है वहां पे ऐसा भूतापीय ऊर्जा आपको जरूर देखने को मिलेगा। आगे आते हैं ज्वारीय ऊर्जा में, ज्वारीय ऊर्जा को अंग्रेजी में कहते हैं टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। या देखिए समुद्र में क्या होता है कि हमेशा आप देखते हैं कि लहरें आती रहती हैं, ठीक है, मतलब ऊपर उछाल भी पानी मारता रहता है, किनारे की तरफ पानी धक्का मारता रहता है समुद्र तट पे, तो ये इनको अंग्रेजी में बोलते हैं टाइड्स और हिंदी में बोलते हैं ज्वार। ज्वार को बोलते हैं ऊपर पानी अगर ऊपर चढ़ता है तो ज्वार बोला जाता है और नीचे उतर जाता है तो उसको भाटा बोला जाता है। ज्वार भाटा पूछा जाता है कि क्यों आते हैं, आपसे पूछा जाए कि अगर कि भाई टाइड्स, यहाँ पे एक ही नाम है, ठीक है, ज्वार भाटा मिलाकर दोनों को टाइड बोला जाता है, ठीक है, तो टाइड्स क्यों आते हैं, तो इसका भी मतलब कारण है ज्योग्राफी में ही। टाइड्स आते हैं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण,
ठीक है, अब कैसे होता है, अगर मतलब आपको केवल आंसर जानना है तो केवल यही है कि ज्वारभाटा कैसे आता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो होता ही है बच्चों की पृथ्वी अपनी ऐसी है और काफी दूरी पे चंद्रमा स्थित है, लेकिन चंद्रमा भी अपने आप में काफी बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा होने के कारण और इतनी दूरी होने के बाद भी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है बच्चों वो है 384,000 किलोमीटर। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी है 384,000 किलोमीटर। इतनी दूरी होने के बाद भी पृथ्वी के ऊपर जो पानी भरा हुआ है, समुद्र में जो समुद्र पानी भरा हुआ है, तो क्या होता है कि इसकी गुरुत्वाकर्षण पानी को अपनी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण इसकी जो चंद्रमे का गुरुत्वाकर्षण है वो ऊपर खींच लेता है पानी को, तो पानी ऊपर उड़ जाता है, इसको बोलते हैं ज्वार। लेकिन पृथ्वी कहती है कि अरे अरे पानी कहाँ चल रही है भाई, चंद्रमा पे थोड़ी जाना है, तो यही रहो। फिर पानी वापस गिर जाता है तो हो जाता है भाटा, वापस गिर जाता है, क्यों गिर जाता है, फिर वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की वजह से वापस आ जाता है, तो इसलिए ज्वार भाटा हमेशा होता रहता है। तो इस ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी भारत में ज्वारीय ऊर्जा का इस्तेमाल लगभग कहीं नहीं हो रहा, कोई बहुत बड़े स्तर पे नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कुछ राज्य हैं जो इसके लिए उपयुक्त है, ठीक है। एक तो राज्य हम लोग का है गुजरात, जहाँ के मोदी जी हैं, फिर है पश्चिम बंगाल और केरल। तो आदर्श राज्य आपसे पूछे जा सकते हैं, आदर्श राज्य कौन से हैं ज्वारीय ऊर्जा के लिए, तो पश्चिम बंगाल केरल और गुजरात, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर ज्वारीय ऊर्जा पर काम हो सकता है। ऐसे राज्य आदर्श क्यों हैं, जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात का नक्शा कुछ इस तरह आप देख सकते हैं, है ना, तो इसमें अंदर पतली तरफ से अगर पानी घुसेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो हम लोग ज्यादा ज्वारीय ऊर्जा का फायदा यहां पर उठा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह कहीं पे भी पतला, अगर मान लीजिए ये तो गुजरात वाला बहुत बड़ा है, अगर कहीं पे भी भारत के नक्शे में इस तरह है, कहीं पे भी हमें अगर जगह मिल जाती है ऐसी, तो हम फिर इस पे ज्वारी ऊर्जा का काम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपसे इन यही ऑप्शन आ जाए कि इन सब में से सबसे अच्छा राज्य कौन सा है, तो हम लोग गुजरात करके आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना ज्वारीय ऊर्जा। अब आते हैं नाभिकीय ऊर्जा पे। देखिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं यही न्यूक्लियर एनर्जी है, यही एटॉमिक एनर्जी है, और इसी को हम लोग परमाणु ऊर्जा भी कह देते हैं, तो अलग अलग नाम है लेकिन बात एक ही है। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा की, तो इसी को हम लोग दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि उसमें से एक ही प्रयोग अभी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एक होता है न्यूक्लियर फिशन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, ठीक है, और इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके हैं जिससे परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अब होता क्या है कि हम लोग जो मनुष्य हैं, उन लोगों ने नाभिकीय विखंडन को बहुत अच्छे से समझ लिया है और उसका काफी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं।
पहले तो मैं अच्छा इस्तेमाल बताऊंगा। अच्छा इस्तेमाल है न्यूक्लियर रिएक्टर, इसी का दूसरा नाम है न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसी को हिंदी में कहते हैं नाभिकीय संयंत्र, इसी को कहते हैं नाभिकीय भट्टी। ठीक है, कुछ भी नाम बोला जाए कोई दिक्कत नहीं। तो नाभिकीय विखंडन का जो अच्छा इस्तेमाल है, गुड यूज जो है, वो है कि हम उससे बिजली बना लें। नाभिकीय संयंत्र का क्या काम है कि उससे हम लोग बिजली बना लें। फिर दूसरा इसका बैड यूज क्या है, बैड यूज है कि हम लोग बना लें एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, यानी कि परमाणु बम। तो परमाणु बम अगर बना रहे हैं तो ये बुरा यूज है, बुरा इस्तेमाल है। और उसके बाद यहां पे आते हैं नाभिकीय संलयन, तो इधर भी गुड तो नहीं है, मतलब हम लोग तो कर नहीं रहे, लेकिन तब भी अच्छा इस्तेमाल है। नाभिकीय संलयन क्या, इससे क्या होता है, सूर्य अपनी ऊर्जा बनाता है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सन, सूर्य द्वारा उत्पादित ऊर्जा। तो सूर्य में क्या होता है, ऊर्जा कैसे बनती है, जब दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम बना देते हैं तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, तो ये भी हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना दे रहा है, तो उसके बाद ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ये ऊर्जा भी नाभिकीय ऊर्जा ही कहलाएगी। तो ये गुड यूज मैं जरूर कह रहा हूं, लेकिन इसमें सारा काम सूर्य भगवान कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन बैड यूज हमने जरूर सीख लिया है, मनुष्य की यह खासियत है कि बुरा इस्तेमाल पहले सीख लेगा। हाइड्रोजन बॉम्ब बना दिया हम लोगों ने, यानी कि हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम आज तक किसी भी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया है, लेकिन टेस्ट कर चुके हैं बहुत सारे देश। ठीक है, तो अब कभी भी आपसे पूछा जाए कि नाभिकीय भट्टी में क्या होता है, संलयन होता है या विखंडन होता है, तो हम लोग विखंडन बोलेंगे। परमाणु बम में क्या होता है, विखंडन होता है। हाइड्रोजन बम में क्या होता है, संलयन होता है। और सूर्य द्वारा जो उत्पादित ऊर्जा होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, वो भी नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे विखंडन संलयन दो ऑप्शन होंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये इस डायग्राम से आप आराम से समझ सकते हैं कि ये सब नाभिकीय ऊर्जा के ही उदाहरण हैं। तो इसको जरा अच्छे से कॉपी करें। आप भारत के नाभिकीय संयंत्र देखिए, भारत में नाभिकीय संयंत्र जो काफी फेमस है, जहां से बिजली बनाई जा रही है, तो कहां कहां है नाभिकीय संयंत्र, कोटा में है, कल्पक्कम में है, नरोरा में है, और एक जगह और है महाराष्ट्र में, उस जगह का नाम तारापुर। ठीक, तो उस जगह का नाम है तारापुर। इन चार जगह भारत में नाभिकीय संयंत्र हैं, और भी जगह डेवलपमेंट स्टेज में है, यहाँ तो एक्टिवली काम हो रहा है। कोटा कहाँ है, राजस्थान में, कल्पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में, नरोरा मेरे उत्तर प्रदेश में है, और तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये भी जानना जरूरी है कि अब ऐसे होगा, निम्न में से कौन सा एक नाभिकीय संयंत्र नहीं है, तो नहीं है वाले ऑप्शन में तीन है वाले होंगे, तो नहीं जो चौथा होगा वो आपको रिजेक्ट करना होगा।
ऊर्जा रूपांतरण का मतलब क्या होता है? जब एक तरह की ऊर्जा दूसरे तरह की ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसे रूपांतरण मतलब रूप का रूप में परिवर्तन, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब इस रूपांतरण में क्या होता है कि पूर्ण रूप से जो एक ऊर्जा है वो दूसरी ऊर्जा में नहीं परिवर्तित हो पाती है, बीच बीच में वो अन्य ऊर्जाओं में चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी ऊर्जा थोड़ी सी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो वही वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है। वेस्टेज ऑफ एनर्जी जो हम लोग जानबूझ कर करते हैं उसका डिस्कशन तो हम लोग अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे उदाहरण अब मैं आपके सामने लिखूंगा, तो वो आप जरूर नोट करिए, फिर वहां पर हम लोग ऊर्जा रूपांतरण देखेंगे। तो ये आपके सामने है और यहाँ पे हम लोग एक एक करके ऊर्जा रूपांतरण को पढ़ेंगे। अगर आपने ये पहली बार आप कर रहे हैं तो मेरे साथ साथ करिए, और अगर आप ये अच्छे से पहले से जानते हैं तो आप क्या करिए, इसे वीडियो पॉज कर लीजिए और अपने सारे आंसर लिख लीजिए, फिर देखिए कि आपका और मेरा सेम आ रहा है या नहीं। ओके, तो बल्ब, ट्यूबलाइट, लैंप, इस तरह की चीज, CFL, LED, बहुत सारी चीजें हैं, सब में एक ही चीज होती है, हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है प्रकाश। तो जो हमें चाहिए होता है उसे हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो बाद में क्या बन गया, प्रकाश बन गया। तो प्रकाश ऊर्जा हमें अंत में मिल गई, लेकिन हमने वहां पे दिया क्या भाई, बल्ब ऑन करते हैं तो बिजली आनी चाहिए, तो इसलिए विद्युत ऊर्जा जो है वो रूपांतरित हो गई प्रकाश ऊर्जा में। हर बार मैं ऊर्जा ऊर्जा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन अब इसमें एक और चीज है, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आप ये समझें कि एक काम का ऊर्जा रूपांतरण होगा और एक बर्बाद होने वाला ऊर्जा रूपांतरण भी होगा। तो शुरुआत तो विद्युत से ही हो गई, विद्युत से प्रकाश बन गया, बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन जब आप बल्ब देखते हैं या ट्यूबलाइट देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, तो विद्युत जो है वो ऊष्मा में भी परिवर्तित होती है। हमेशा बल्ब अगर ऑन रहा, मान लीजिए 2-3 घंटे ऑन रहा, तो बल्ब आप बंद कर दें तो उसको आप छुएं तो बल्ब आपको बहुत गर्म लगता है, बल्ब कुछ ज्यादा ही गर्म दिखता है, लेकिन ट्यूबलाइट और लैंप जो है थोड़े कम गर्म दिखते हैं, परंतु गर्म जरूर होते हैं। वो किस लिए होते हैं, क्योंकि विद्युत जो है ऊष्मा में परिवर्तित होती है, और ये जो रूपांतरण है ये हमारे काम का नहीं, लेकिन विद्युत से प्रकाश जो हमें चाहिए ये रूपांतरण हमारे काम का है, ये हमारे काम का नहीं। तो हमेशा ये होगा कि रूपांतरण जब भी होगा तो कुछ काम का होगा, कुछ बिना काम के होगा। अब आप देखिए, अगर हम बात करते हैं बल्ब और LED की, तो बल्ब में क्या होता है कि विद्युत से प्रकाश रूपांतरण तो होता ही है, और बहुत ज्यादा रूपांतरण विद्युत से ऊष्मा में होता है, इसीलिए बल्ब ज्यादा बिजली खाता है। अब LED में क्या होता है, LED बल्ब बोलना अच्छा नहीं है, सिर्फ LED बोलता हूं मैं, ठीक है। तो अगर LED आप ले लेते हैं तो वहां तो विद्युत से प्रकाश में रूपांतरण होता है और विद्युत से ऊष्मा में भी होता है, लेकिन ये वाला जो है कम होता है, इसीलिए LED थोड़ी ही गर्म होती है। ठीक है, मैं जानता हूं कि पुराने जमाने में, मतलब बहुत पुराना नहीं, आज से 15-20 साल पहले ही, बल्ब में लोग क्या करते थे, गुड नाइट की टिकिया रख देते थे ऊपर, क्योंकि बल्ब इतना गर्म हो जाता था कि गुड नाइट की टिकिया भी उससे मतलब थोड़ा सा जल जैसी जाती थी, जिससे धुआं उत्पन्न होता था, बदबू उत्पन्न होती थी, उस बदबू से मच्छर भाग जाते। तो वो बहुत चालाक लोग हैं जिन्होंने बल्ब की इस बर्बाद होने वाली ऊष्मा को भी मच्छर भगाने में प्रयोग कर लिया। तो इस तरह से हम लोगों को दिमाग लगाना चाहिए और कहीं पे भी ऊर्जा जो है वो बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा अब एग्जाम में इस तरह से भी आना शुरू हो गया है कि इनमें से बल्ब मतलब कौन सा अच्छा रूपांतरण है और कौन सा बुरा रूपांतरण है या फिर बर्बादी वाला रूपांतरण है। ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है, यहाँ पे ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो रहा है।
तो इस तरह से भी सवाल आपको सोचना आना चाहिए। लेकिन अभी ज्यादातर केसेस में मैं क्या करूंगा, अच्छा वाला रूपांतरण ही लिखूंगा, लेकिन वो भी आपको सोचना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि ऊष्मा तो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, जैसे बैटरी है तो बैटरी भी गर्म थोड़ी बहुत हो ही जाती है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। लेकिन बैटरी में शुरुआत जो होती है वो विद्युत से नहीं होती, बैटरी विद्युत देती है, विद्युत लेती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बैटरी वाले केस में शुरुआत करेंगे रासायनिक ऊर्जा से। रासायनिक ऊर्जा यहाँ पे प्रयोग होती है और हमें मिल जाती है विद्युत ऊर्जा। अब जब विद्युत मिल गई है तो उससे आप बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा कुछ भी चला दीजिए। तो याद रखिएगा बैटरी रासायनिक ऊर्जा से शुरू होती है और विद्युत ऊर्जा बनाती है। भाई बैटरी में कौन सा रसायन भरा रहता है? बैटरी में भरा रहता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। अगर लिक्विड बैटरी आप बैटरा जिसको बोलते हैं इन्वर्टर वाला, वहां पर क्या भरा रहता है? H2SO4। बल्कि कोई भी कार, मोटरसाइकिल, इन सब की जो भी बैटरी होती है, ये भी पूछा गया है कार बैटरी कितने वोल्ट की होती है? कार बैटरी 12 वोल्ट की होती है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते थे कि रासायनिक से विद्युत और विद्युत से ऊष्मा, ये बैटरी में बर्बादी हो जाती है, ये हम लोग लिख सकते थे। अब आ जाते हैं हीटर में, हीटर में हमें अंत में यहां पे हमें भाई ऊष्मा चाहिए, हीटर का तो काम ही है गर्म करना, तो यहां पे देखिए विद्युत जो है वो ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है, तो ये हमारे काम का है। यहाँ पे विद्युत ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा था वो हमारे काम का नहीं है। और हीटर कोई भी अगर आप हीटर देखते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है, अंधेरा आप पूरी सारी लाइटें बुझा दें अगर कमरे की तो लाल रंग का हीटर आपको अंधेरे में दिखाई भी दे जाएगा। तो इसलिए हीटर में अगर विद्युत से प्रकाश बना जा रहा है तो ये हमारे काम का नहीं है। तो यही देखिए उपकरण जैसे ही बदलता है तो हमारी जरूरत के हिसाब से जो उपकरण बनाया अगर वो काम कर रहा है तब तो वो काम अच्छा ऊर्जा रूपांतरण है, और नहीं तो बेकार ऊर्जा रूपांतरण। देखिए यहाँ विद्युत ऊष्मा बढ़िया है, यहाँ विद्युत ऊष्मा गड़बड़ है, यहाँ विद्युत प्रकाश गड़बड़ है और यहाँ पे विद्युत प्रकाश अच्छा, क्योंकि इसका काम प्रकाश ही देना है तो प्रकाश वाला बढ़िया है अगर कर पा रहा है, और इसका काम ऊष्मा ही देना है तो यहाँ पे ऊष्मा वाला बढ़िया। तो अब आई थिंक आप काफी हद तक समझ चुके हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं पंखा मिक्सी, यहाँ पे क्या हो रहा है विद्युत ऊर्जा जो है वो किसमें परिवर्तित हो जा रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा में भी वो क्या होगा, जो हमारी पंखा मिक्सी कोई भी मोटर होगी वो गोल गोल घूमने लगती है, पंखे की मोटर भी जो गोल गोल घूमती है। अब पंखा जो है अगर आप चला लिए 5 घंटे 10 घंटे पंखा चला लिए तो उसको आप नीचे जाके छुएंगे तो वो गर्म होगा, तो विद्युत जो है ऊष्मा में अगर परिवर्तित हो रही है तो पंखा जो है अच्छे से, मतलब वही है कि थोड़ा तो होगा ही, ऊष्मा तो बनेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और पंखे में अगर पंखा पुराना है तो कट 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 करके आवाज भी करेगा, है ना, आवाज में अगर परिवर्तित हो रहा है तो पंखा और भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पे ये विद्युत ऊर्जा जो है वो ध्वनि ऊर्जा में भी परिवर्तित हो सकती है। तो ये ऊपर वाले अच्छा इस्तेमाल, अच्छा रूपांतरण, और ये वाला गड़बड़ रूपांतरण। हम लोग को गड़बड़ रूपांतरण के साथ भी जीना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा पंखा बना लें जो सिर्फ हवा दे और बिल्कुल भी गर्म ना हो, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि घर्षण वगैरह होता ही है। किन्हीं की यंत्र में अगर कोई दो सतह आपस में रगड़ रही है तो उनके बीच में घर्षण जरूर होगा। अब आ जाते हैं लाउड स्पीकर में। लाउड स्पीकर में क्या होता है बच्चों कि आप धीरे से बोलते हैं लेकिन बाहर भोंकू लगा रहता है, उससे बहुत तेज आवाज आती है, तो वो आपकी धीरे आवाज बहुत तेज आवाज में परिवर्तित कैसे हो जाती है? क्योंकि आपकी आवाज में हम लोग बिजली की जो ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा को मिक्स कर देते हैं, तो हल्की आवाज प्लस विद्युत ऊर्जा दे देती है बहुत जोर से आवाज,
तो इसलिए यहाँ पे विद्युत ऊर्जा जो है वो जोर से आवाज में बदल जा रही है। तो हम लोग क्या सर लिखेंगे, विद्युत यहाँ पे परिवर्तन ध्वनि। तो देखो यहाँ पे विद्युत ध्वनि में परिवर्तित हो रही, तो हम लोग बोलते हैं लाउड स्पीकर हमारा बढ़िया। यहाँ पे विद्युत ध्वनि में परिवर्तित हो रही है, तो हम लोग बोल रहे हैं हमारा पंखा मिक्सी जो है पुराना हो चुका है, बेकार हो चुका है, ठीक है। अब माइक्रोफोन में क्या होता है, देखिए जब भी लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन की बात होती है तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। माइक्रोफोन वो होता है जो आपके बिल्कुल मुंह के पास होता है, ठीक है, और लाउड स्पीकर वो होता है जो छत की ऊंचाई पे या खंभे पे बांध दिया जाता है ताकि बहुत ज्यादा लोगों को नेताजी की आवाज सुनाई दे। लेकिन नेताजी तो बुढ़े आदमी है, वो धीमे से बोलेंगे माइक्रोफोन के सामने, लेकिन फिर भी नेताजी के भक्तगणों को, चमचों को बहुत तेज आवाज लाउड स्पीकर से सुनाई देगी। तो अब इसमें खर्चा आएगा, खर्चा किसका आएगा, विद्युत का आएगा। तो माइक्रोफोन में क्या होता है, नेताजी धीमे से बोल रहे हैं तो उनकी ध्वनि जो है वो विद्युत में परिवर्तित हो रही है, और फिर वही विद्युत दोबारा तेज ध्वनि में परिवर्तित हो रही है। तो माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर की हमेशा जुगलबंदी होती है, जहां पे भी लाउड स्पीकर होगा वहां माइक्रोफोन जरूर होगा। टेलीफोन मोबाइल में भी इसी तरह से होता है। आप अगर, चलिए मैं अपना पुराना मोबाइल आपको दिखा देता हूं, देखिए ये रहा मोबाइल। तो आप जब भी बात करते हैं तो ऐसे रखते हैं, तो इस जगह आपका माइक्रोफोन लगा होता है जिससे आपकी आवाज आपके दोस्त के पास चली जाती है, फिर वो दोस्त जो होता है वो आपकी आवाज यहां से सुन पा रहा होता है। तो ये जो जगह है वो लाउड स्पीकर तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से छोटा स्पीकर जरूर है। और फोन में भी हम लोग अगर ऐसे ना बात करके ऐसे बात करना पसंद करते हैं तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ पे भी लाउड स्पीकर ऑन करते हैं, जरूर आप लोग देखते होंगे। तो इसलिए ये याद रखिएगा, माइक्रोफोन में ध्वनि से विद्युत पे जा रहे हैं और लाउड स्पीकर में विद्युत से ध्वनि में जा रहे हैं। हर स्टेज में बर्बादी जरूर होती है, लेकिन हम लोग ऊर्जा पे यानी विद्युत पे ज्यादा पैसा खर्च करके उस बर्बादी से निजात पा लेते हैं, है ना। कितना अच्छा होता है कि आप कानपुर में बैठे हुए हैं और बिल्कुल धीमे बोल रहे हैं, फिर भी कोई अमेरिका में रहकर आपकी आवाज सुन लेता। तो बीच में जो खर्चा आता है वो विद्युत का खर्चा आता है, ठीक है, इसीलिए आपसे मोबाइल बिल पेमेंट लिया जाता है। फिर आ जाते हैं मोमबत्ती। ये बहुत ही मतलब साधारण उदाहरण है, सभी के घर में मोमबत्ती जरूर होगी, सबने देखी होगी। यहाँ पर मोमबत्ती मोम से बनी हुई है, तो मोम को हम लोग जलाते हैं। तो काम क्या है मोमबत्ती का, इसी टाइप का काम है, प्रकाश देना काम है। तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा जो है प्रकाश में परिवर्तित हो रही है, लेकिन यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, ऊष्मा में भी परिवर्तित हो जाती है। मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी मोमबत्ती जलाकर तापना पसंद करेगा, तो इसलिए ऊष्मा जो बन रही है वो उतना ज्यादा काम की नहीं है। और मोमबत्ती में अगर आप थोड़े से पानी के छींटे डाल दें तो चट चट करके आवाज भी आती है। तो या मोमबत्ती का अगर मोम अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसमें पानी की बूंदे हैं या पानी का मॉइस्चर है, आर्द्रता है, तो मोमबत्ती जो है ठीक से नहीं जलती है, चट चट की आवाज देती है। तो वहां पे आप ये बोल सकते हैं कि रासायनिक जो है वो ध्वनि में भी परिवर्तित हो रहा है। लेकिन अगर मोमबत्ती आएगा सवाल में तो आप रासायनिक को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन ही लिख कर आएंगे, अगर एक ही चीज। इसीलिए जिसपे टिक लगा है वो उसका प्रमुख रूपांतरण है, बाकी सारे छोटे छोटे रूपांतरण है जिनकी आवश्यकता हमें नहीं है, लेकिन फिर भी वो रूपांतरण हो जाते हैं। इसीलिए मैं इनको डॉटेड भी कर सकता हूँ, जो मतलब काम के रूपांतरण नहीं है, ठीक है। तो प्रमुख रूपांतरण जो है वो सॉलिड एरो है, और जो बेकार का रूपांतरण है वो डॉटेड है। अब आ जाते हैं वाटर पंप, यानी कि
हम लोग ने पंप लगाया और उससे हम लोग पानी खींच रहे हैं। पानी को नीचे से ऊपर ही खींचा जाता है, यही काम है। ऊपर से नीचे पानी तो खींचने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप गिर जाता है। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो यहां पर पंप क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण का विरोध करता है। तो वाटर पंप क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। और यांत्रिक को भी अगर देखना चाहे तो गुरुत्वीय यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, जिससे कि पानी हमारा चलने लगता है और मतलब गुरुत्वीय से उठाकर उसे गतिज में लाता है। तो गतिज बोले ज्यादा अच्छा होगा, या तो यांत्रिक ऊर्जा ऑप्शन आएगा या फिर विद्युत ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि पानी हमारा बाहर की ओर या ऊपर की ओर चलने लगता है। तो ये ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण थे। आप कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे घर्षण। घर्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी ऊर्जा की बर्बादी होती है उसका किसी भी मशीन में घर्षण जरूर कारण होता है। घर्षण कब होता है? जब कोई चीज चल रही होती है, और घर्षण होने की वजह से आवाज आती है और घर्षण होने की वजह से गर्मी भी पैदा होती है। आप जरूर सभी लोग साइकिल चला लेते होंगे, जब आप साइकिल का ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक जो होता है वो साइकिल के चलते हुए पहिए पे जाकर छूने लगता है। छूने की वजह से आवाज भी आती है हल्की सी, और जो ब्रेक शू होता है वो गर्म भी हो जाता है। तो इसीलिए घर्षण की जब भी बात होती है तो गतिज ऊर्जा जरूर होनी चाहिए। जब कोई चीज चल रही होगी तभी घर्षण काम करेगा। चलती हुई चीज को रोकना या चलती चीज को धीमा करना, यही घर्षण का काम है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? यहाँ पे ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। और गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे कोई काम का ना काम की बात नहीं है, क्योंकि अपने आप में घर्षण ही बेकार है। इसलिए अगर आपको कट्टन बनाना है तो दोनों में बना लीजिए। गतिज घर्षण किसी भी चीज की गतिज ऊर्जा को बर्बाद कर देता है और ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है, या बर्बाद करके ध्वनि में परिवर्तित कर देता है। अब प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है? पौधे करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं, और बहुत अच्छे से करते हैं ये लोग। एक छोटा सा बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होकर दो पत्तियां देता है, वो दो पत्तियां थोड़ा थोड़ा खाना बनाना शुरू करती हैं। कैसे खाना बनाना शुरू करती हैं? सूर्य के प्रकाश से। तो प्रकाश संश्लेषण में जरूरी क्या होता है? प्रकाश। और फिर वो दो पत्तियां क्या करती हैं? खाना बनाते बनाते प्रकाश से नया दो पत्तियां बना देती हैं, नई दो पत्तियां बना देती हैं। और इसका मतलब वहां पर क्लोरोफिल आ जाता है। क्लोरोफिल अपने आप में क्या है? रसायन है। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या हुआ कि हम लोग फोटोसिंथेसिस की मदद से, सूर्य प्रकाश की मदद से, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा पर हम लोग जा रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में बहुत ज्यादा ऊर्जा का अपव्यय भी नहीं होता है, बहुत अच्छी चीज होती है अपने आप में। और नई पत्तियां आ जाती हैं तो ज्यादा क्लोरोफिल हो जाता है, ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। और इस तरह से आप देखते हैं कि पौधा बढ़ता ही चला जाता है। किसी भी बड़े पेड़ को आप देखिए तो चाहे जितनी उसकी उम्र हो जाए लेकिन उसमें नई पत्तियां निकलती ही रहती हैं। तो ये कैसे संभव है? प्रकाश संश्लेषण से संभव है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग हीट इंजन पे। हीट इंजन क्या चीज है? या कोई भी गाड़ी का इंजन है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा यानी कि पेट्रोल या डीजल को हम लोग ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं, और फिर ऊष्मा से हम लोग उसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। भाई पेट्रोल कार में क्या होता है, किसी भी डीजल ट्रक में क्या होता है?
जो रसायन हम लोग टंकी में भरवाते हैं और फिर वो जो इंजन होता है उसको ऊष्मा में परिवर्तित करता है, और वही ऊष्मा जो बाद में है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। एग्जाम में ऑप्शन आपको रासायनिक से सीधे गतिज ऊर्जा भी आ सकता है, तो वो भी आप सही कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कैसे ऑप्शन चॉइस आप वहां पर ले सकते हैं। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब आप मतलब एक जैसे आसपास के ऑप्शन में चुनना भी सीखेंगे। फिर जल विद्युत में क्या होता है, जल विद्युत बांध, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कहते हैं। तो जल विद्युत बांध में क्या चीज होती है कि पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है टरबाइन पर और टरबाइन से घूमती है जिसकी वजह से बिजली उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी कि स्थिति ऊर्जा जो होती है पानी की। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग इसमें परिवर्तित कर लेते हैं, जल स्थिति, जल की स्थितिज ऊर्जा को। जल बहुत ऊंचाई पे भरा रहता है, बांध बनाने की वजह से एक तरफ पानी भर जाता है इतनी ऊंचाई पे और दूसरी तरफ पानी नीचे हो जाता है, तो इसके इसको पानी को यहाँ पर गिराते हैं। तो इस ऊंची स्थितिज ऊर्जा को हम लोग किसमें परिवर्तित कर लेते हैं, विद्युत में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये जल विद्युत बांध है। फिर आग, आग में क्या होता है, आग लगने के लिए कोई भी चीज का जलना आवश्यक है। तो जो जलेगी कोई भी चीज, चाहे लकड़ी जले, चाहे कागज जले या प्लास्टिक जले, वो चीज क्या है, रसायन। तो रासायनिक ऊर्जा जो है यहाँ पर किसमें परिवर्तित हो जाती है, ऊष्मा में। और जब आग लगती है तो प्रकाश भी होता है, तो लेकिन फिर भी अगर हमें एक ही चुनना है तो आग में हम लोग ऊष्मा पे पहले जाए, है ना, क्योंकि आग में गर्मी ज्यादा होती है और प्रकाश उतना ज्यादा नहीं होता जो आप देखते हैं, है ना। तो रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो रही है, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में परिवर्तित हो रही है। फिर आ जाते हैं हम लोग पवन चक्की में, विंड मिल में। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा बिजली में चेंज हो रही है या फिर मैकेनिकल में चेंज हो रही है। पवन ऊर्जा जो है वो विद्युत में हो सकती है, ये नए जमाने में, अब आजकल हम लोग पवन से बिजली भी बना रहे हैं, और पुराने जमाने में चक्की में इस्तेमाल होता था, तब हम लोग यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे, अभी भी इस्तेमाल हो ही रहा है, हम लोग ने पढ़ा था। तो ये रहे कुछ ऊर्जा रूपांतरण, और अनगिनत ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण है बच्चों। हम लोग कभी इस टॉपिक इस पे मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे हम पूरी पृथ्वी में जितने एग्जाम्पल है सारे लिख पाए। एग्जाम में बच्चों हमेशा नया सवाल आएगा, लेकिन ये ऊर्जा रूपांतरण करना आपको आना चाहिए। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।